एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं असॉर्टेड कुकीज़, और बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसी, डिफरेंट शेप्स में। और मैंने कोशिश की है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लाने की फ़्लेवर के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्रेडिएंट्स देख लें आप। हमें चाहिए होगा तकरीबन 200 से 250 ग्राम बटर, 200 to 250 ग्राम्स। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है कि आप क्वान्टिटी कितनी में बना रहे हैं। दो अंडे चाहिए होंगे हमें मीडियम साइज़ के, और वाइट शुगर है 3/4 कप, और ब्राउन शुगर है के लिए 1/3 कप तकरीबन। और इसके अलावा जो है वो हमें जो ऑल पर्पज़ फ्लावर है वो 2.5 कप चाहिए होगा, 2.5 कप्स। ठीक है जी, इसको हम सिफ्ट कर लेंगे। अभी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी। इसके अलावा मैंने ओरियो बिस्किट्स लिए हैं, चॉकलेट चिप लिए हैं कुछ, और कुछ बंटीज़ या M&M's जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो ले लें, या जैम या न्यूटेला, किसी भी चीज़ से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टीस्पून जाएगा, बेकिंग सोडा 1 पिंच जाएगा, सॉल्ट 1 पिंच, और वेनिला एसेंस तकरीबन 1 to 2 टीस्पून जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, बोल में जो है वो निकाल रही हूँ बटर, और आपने ये बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर मक्खन लेना है। और इसको जो है ना वो हम पहले इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से बीट कर लेंगे, और इसके बाद जो है इसमें 1 by 1 बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, बटर जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे रखिएगा, बेशक थोड़ा सा अगर फ्रिज में पड़ा है तो थोड़ा सा मेल्ट कर लें, या माइक्रो में ज़रा सा, ताकि मतलब यूज़ करने से पहले। और जो बटर है वो आप अनसॉल्टेड लीजिएगा। ठीक है, वंस आपकी बटर मेल्ट हो जाती है उसके बाद आप इसमें चीनी ऐड करेंगे। जो शुगर है ये कास्टर शुगर है, यहाँ पे तकरीबन ग्रैनुलेटेड ही मिलती है, लेकिन वहाँ पे अगर आपके पास नहीं है ग्रैनुलेटेड शुगर तो आप पीस लें, उससे ग्राइंड कर लें। ठीक है जी, उसके बाद यूज़ करिएगा ब्राउन शुगर को भी और वाइट शुगर को भी, दोनों को आपने पीस लेना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब आप इसमें बीटर में करे होंगे तो फिर वो ज़रा स्मूथ रहेगा। ठीक है ना, और इसके बाद अब हम इसमें ब्राउन शुगर ऐड करें। ठीक है जी, और ब्राउन शुगर ऐड करने के बाद अब हमने इसे फिर दोबारा हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा कोशिश करिएगा ऐड कीजिएगा, एकदम से सारी ऐड ना कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसमें एग्स ऐड करेंगे 1 by 1। दो जो है वो इसमें मीडियम साइज़ के एग्स यूज़ हुए हैं, और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप आगे पीछे कर सकते हैं बेशक, और क्वांटिटी भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 12 to 14 जो कुकीज़ हैं वो आराम से बन जाती हैं, और डिपेंड करता है कि आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये अंडे डाल दिए हैं, अब इसे हम फर्दर बीट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद जो है वो इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जैसे मैंने आपको कहा है कि 1 टीस्पून ऐड होगा। ठीक है, और जो इस बेकिंग सोडा है वो तकरीबन पिंच कह लें, या हाफ टी स्पून से भी थोड़ा यूज़ होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो वेनिला एसेंस है वो आप 1 टीस्पून या 2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। ठीक है, और किसी भी कंपनी का ही आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड कोई स्पेसिफिक नहीं है, जिसका भी जो भी अवेलेबल है। और फिर हम इसको दोबारा बीट करेंगे। इसमें ज़्यादा प्रोसेस जो है वो एक्चुअली इसी का है। ये देखें आप, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैं नॉर्मल स्पीड पर ही इसको बीट कर रही हूँ, मतलब बहुत हाई स्पीड पर नहीं कर रही हूँ, तो आपने भी ऐसा करना है। अब जी इसमें मैदा डालेंगे हम, और फ्लावर को जैसे कि मैंने कहा है कि अगर आप इसको छान लें जो सिफ्ट करके डालेंगे तो फिर ये होगा कि जो कोई पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं इसमें रहते हैं, और ज़रा जो है ना ग्रैनुलर नहीं होता, टेक्सचर स्मूथ रहता है जो भी आप डो बना रहे हो उसका। इसमें मैंने 2.5 कप्स जो है वो मैदा के मैं यूज़ करूँगी, लेकिन मैं फ्लावर जो है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, जैसे मैंने 1/2 कप तकरीबन किया है इसको। अब मैंने स्पैचुला की मदद से इस तरह ये फोल्डिंग मैनर में फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है जी, इसके बाद अब ये रिमेनिंग कर रही हूँ और दोबारा से फोल्ड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में कर रही हूँ। ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी है, आप किसी डायरेक्शन में भी कर लें इसको। ठीक है, और इसको फिर अच्छी तरह से इवनली मिक्स कर लेना आपने, कि जितने भी जो आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं या जो बाकी के डाले हैं वो सब जो हैं वो इसमें इवनली मिक्स हो जाएं। ठीक है जी, आफ्टर एडिंग ऑल द फ्लावर, अब इसको आपने कोशिश करिएगा थोड़े से हाथ आप ऑयल से ग्रीस कर लें, या थोड़ा सा मैदा अगर आपको कम लग रहा है, जो ये आपका डो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो रनी और नहीं होना चाहिए, इसको आपने इस तरह
तब तक थोड़ी देर गूंदना है कि जैसे ये राउंड एक बॉल की शेप में आ जाए और स्टिकी ना हो। फिर आप मैंने ये जो है कटिंग बोर्ड ले लिया था, क्योंकि मैं अच्छा वेजिटेबल्स के लिए अगर आप कटिंग बोर्ड यूज़ करते हैं तो वो मत यूज़ करिएगा, ये दूसरा। मैंने दो कटिंग बोर्ड्स रखे हैं, तो अगर मुझे कोई डो वगैरह करनी हो तो इस पर करती हूँ। और नाइफ़ की मदद से मैंने इसको ऐसे 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। और फिर इसमें जो है अब इसको मैं हल्का सा फ्लावर जो है वो आपने डस्ट कर लेना है, जिस भी सरफेस पे आप काम कर रहे हैं उस पर कोशिश कीजिएगा, जिस भी आप शेल्फ पे या सरफेस पे काम करें उसे पहले क्लीन कर लें, ठीक है। क्योंकि ये बेकिंग है, इसमें थोड़ा सा ऑलरेडी मैसी हो जाता है, लेकिन अगर आपको कुछ रोल करना होता है या कुछ तो ईजीली आप कर सकें, ठीक है जी। अब ये मैंने एक एक पोर्शन लिया है, बॉल सा बना दिया है। अब इसके अंदर जो है अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स या बंटीज, एनीथिंग यू वांट। और ये साइड पर जो है बेकिंग ट्रे पे मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, अब बेकिंग ट्रे जो होता है वो यूजुअली इसके लिए एक फ्लैट बड़ा जो बेकिंग ट्रे होता है कुकीज़ के लिए वो होता है, लेकिन मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने फिर मुझे 3 डिफरेंट कंटेनर्स यूज़ करने पड़े। क्योंकि जो ये कुकीज़ होती हैं ये हमें जो है ना इसको थोड़ा डिस्टेंस पे रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप इसको बेक करते हैं तो इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो ये रीज़न थी कि मैं एक पैन में ज़्यादा से ज़्यादा तीन दो या तीन एक बेकिंग ट्रे में रख रही थी, ठीक है जी। अब आप जैसा कि प्रोसेस देख रहे हैं साथ साथ कि मैंने एक में चॉकलेट चिप्स अंदर ऐड की हैं, इसको ऊपर भी लगाऊंगी थोड़ा इसमें से पोर्शन लेके, लेकिन अभी ये मैं अंदर की फिलिंग कर रही हूँ। और ये बंटीज हैं ये ऐड की हैं, ठीक है जी। और अगर आप मतलब शौक से खाते हैं आपके बच्चे तो आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या बड़ों के लिए बना रहे हैं अगर तो आप प्लेन इस तरह से बिस्किट्स या कुकीज़ भी बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल के बनते हैं। ये जी मैं यहाँ कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। डिफरेंट शेप्स, फ्लावर्स या स्टार शेप्ड या हार्ट शेप्ड जो भी आपके पास है, और डिफरेंट साइजेस में आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको जो मेरे पास अभी जो मुझे मिली थी और मेरे पास जो पड़ी हुई थी उनमें से जो मैंने बनाई है कुछ, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और इस तरह से अब मैं इनको सेट कर रही हूँ। अभी इसको मैं थोड़ा डिस्टेंस पे रखूँगी, बिकॉज़ ये मैंने जैसा कि बताया कि आफ्टर बेकिंग जो है थोड़ा सा ज़्यादा इनको स्पेस चाहिए होती है, बड़ी हो जाती है साइज़ में। सो इट्स बेटर कि आप इसको डिस्टेंस पे रखें, ठीक है जी। ये देखें इस तरह से, ठीक है। और किसी भी शेप में आप इसको कट कर सकते हैं, किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी बेटर आइडियाज़ तो आप मुझसे शेयर करिएगा। आप चाहें तो इसमें किसी में थोड़ा ये ओरियो बिस्किट्स मैंने तोड़ कर रख रही हूँ, और अभी आगे एक में किसी में न्यूटेला लगा दी थी मैंने, किसी में स्ट्रॉबेरी जैम थोड़ा सा लगा दिया था, तो बहुत ही मज़ा आता है उसका भी और डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। और बच्चों के लिए भी स्पेशली जो पिकी ईटर्स होते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी ये ऑप्शन है, क्योंकि हेल्दी इसमें हर चीज़ है, अंडा है, हर चीज़ है इसके अंदर। और अगर और कलरफुल चीज़ों की तरफ बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये देखिए ये ऐसे बीच में फिलिंग के लिए मैंने रखा है कि आप इसमें न्यूटेला या जैम कुछ भी फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो देन अगेन अब ये एक और कुकी कटर है, ये स्टार शेप में कट किया है मैंने। एंड अब ये भी मैं ट्रे में रख दूँगी। एट अ टाइम मैंने 3 या 4 जो हैं वो कुकीज़ बेक की थी, और जो बेकिंग टेम्परेचर है वो आपने रखना है 170 to 175 डिग्री, प्री हीट कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको जो है 17 to 20 मिनट्स तक बेक करना है, ठीक है। और चेक करते रहिएगा कि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए ऊपर से जो है वो। अभी आप कलर देखेंगे इसका ज़रा सा लाइट होगा और मतलब पता चल जाएगा आपको। आप यहाँ हाथ लगा के चेक कर सकते हैं थोड़ी देर बाहर निकालने के बाद कि ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो, ठीक है ना। तो यू हैव टू चेक दैट थिंग। और अभी ये मैं सेट कर रही हूँ। ये मेरा जो स्पॉन्ज केक बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ मोल्ड में, मैं क्योंकि आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास कुकिंग ट्रे है जिसमें ये कुकीज़ बनाते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन यूज़, क्योंकि आप उसमें एक ही टाइम पे इकट्ठे सब बेक कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी आई हैव यूज स्ट्रॉबेरी जैम एंड सम चॉकलेट चिप्स बिकॉज माई चिल्ड्रन लव देम।
ठीक है जी। और इसके अलावा आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि अभी मैं आपको आगे और भी एक डिफरेंट तरीका बताऊंगी, अगर आपको कोई दूसरा फ्लेवर बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंजूसी मत करें, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस। और अपना कॉमेंट ज़रूर किया करें इफ़ यू वॉच द, आई नो दैट यू गाइज वॉच द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट अदर देन वॉचिंग कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं वीडियोस, व्हाट डू यू गाइस वांट टू सी, लाइक विच वीडियो डू यू वांट टू सी द मोस्ट। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं दो इसके पार्ट्स कर लिए थे डिवाइड, और अब इसको जो है मैं क्लिंग फिल्म में रैप कर कर थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर रही हूँ, फ्रिज में रख रही हूँ फॉर लेट्स से 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, ठीक है जी। और ये जो इसका हाफ दूसरा हाफ था, अब इस पर मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा जो है कोको पाउडर ऐड करूँगी। तो कोको पाउडर ऐड करने से क्या होगा, 1 या 1.5 के लिए आप टीस्पून जो है वो इसमें ऐड कर लें, जब तक कि वो चॉकलेटी कलर, आपने देखा होगा जो बेकरी में बिस्किट्स अवेलेबल होते हैं तो कैसे वो डार्क ब्राउन चॉकलेट का जो कलर होता है वो उस टाइप का होता है, एज़ यू कैन सी। तो ये हमारी डो जो है वो हमने एक ही डो को किस तरह से यूज़ कर लिया है, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा मैसी हो गया था यहाँ पे, बट नेवर माइंड, व्हेन यू आर बेकिंग और कुकिंग तो फिर तो ये होता ही है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपने जो जहाँ भी काम करेंगे तो वर्किंग सर्फेस जो है वो पहले से साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी क्लिंग फिल्म लगा कर जो है वो मैं रेफ्रिजरेट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। मीनवाइल जो कुकीज़ हैं वो बेक हो रही हैं, अब इसे मैंने पेपर टावल से साफ़ कर लिया है, ये देखिए जी ये बेक होके आ गई है, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कलर आता है नीचे, ठीक है जी। ये न्यूटेला के साथ है और वो मैंने अपने काली हैं जो मैं बाकी की कुकीज़ बनाने लगी हूँ, कुछ जो कि चॉकलेट, कुछ प्लेन चॉकलेट्स वाली होंगी और कुछ चॉकलेट और ये वेनिला जो है ये मिक्स करके भी होंगी, इसे हम क्लिंग फिल्म से अब निकाल लेंगे। एज़ यू कैन सी द डो ये इजी से मैं हैंडल कर रही हूँ, हल्का सा मैंने फ्लावर तो डाला है लेकिन ये कि स्टिकी नहीं है डो, तो आपने जब उसको बीट करने के बाद, मैंने जैसे बताया था अगर आपको लग रहा है कि अभी वो उस शेप में, इस शेप में नहीं आई है, तो आप अपने हाथों को हल्का सा ऑयल लगा कर और फ्लावर की हेल्प से जो है मैदे की हेल्प से आप इसको गूंदे, ताकि इसको ये शेप ऐसी आ जाए कि आप इसे आराम से हैंडल कर सके बाद में, ठीक है जी। अब इसको ये जो दो हैं इनको मैंने फ्लैट कर लिया है थोड़ा सा, रोलिंग पिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे तो हाथों से भी इजीली हो जाएगा। और ये एक मैं जो है वो प्लेन चॉकलेट की बना रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ी सी बंटीज ऐड की थी बाद में, ठीक है, या M&M's अगर आपके पास हैं, या फिर आप इस पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक, ड्राई फ्रूट्स भी इफ़ यू लाइक देम। अच्छा, अब इसको जो है वो मैं स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ, ये मैंने बेसिकली एक अटेम्प्ट की थी, कह लें बस एवरेज अटेम्प्ट ही थी, बट दे टेस्टेड रियली गुड एंड बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद कुकीज़, सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह शायद इससे भी बेटर बने। और ये जो ये स्ट्रिप है ये एक एक करके मैंने सेट की थी, जैसे आपने देखा है वो बेकरी में होते हैं कि 2 कलर्स के बिस्किट्स होते हैं, तो आई वॉज ट्राइंग टू मेक दैट। और इसको जो है वो आपने ज़रा सा दूध लेकर, तो आपने इसको ज्वाइन करना है, जो जो इनके जो हल्का हल्का दूध जो है ना अपनी फिंगर्स की हेल्प से, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं इन बिटवीन मैं लगा रही हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए इन प्लेस। अच्छा, अगर आप चाहें तो नीचे कोई बटर पेपर रख सकते हैं ताकि आपको उठाने में इसको इजी हो जाए, और वो ये मुझे ज़रा ज़्यादा बड़ा लग रहा था तो जो मैंने अपर पोर्शन है वो कट कर लिया था। और ये एक बार चाहे तो इसको एक पूरे बार की फॉर्म में ही आप बेक कर लें, और जो जैसे पिज़्ज़ा के लिए हम यूज़ करते हैं स्पून, आप उसकी मदद से इसको आराम से उठा सकते हैं, ठीक है, जो सर्विंग स्पून होता है। और वो जो मैंने उठाया था एक्स्ट्रा जो लग रहा था उसको देखें, मैं ऐसे शेप दे रही हूँ, सो नथिंग गोज वेस्टेड हियर, बेसिकली यू हैव टू यूज़। ये देखें, ये मैं आपको ये कह रही थी कि इसकी मदद से आप इजीली उठाकर तो आप अपने बेकिंग ट्रे में रख लें, ठीक है। और इसके बाद जो है अभी रिमेनिंग जो रह गए हैं इनको भी मैं यूज़ करूँगी, जैसे ये देखें दिस वन आई रियली लाइक, ये जो चेस की तरह का थोड़ा डिज़ाइन होता है और इसमें मतलब क्रॉस में वेनिला एंड चॉकलेट, सो आई रियली लाइक दैट। और बचपन में जो है दीज यूज्ड टू बी माय फेवरेट कुकीज़,
अगर आप चाहें तो वो उसी स्ट्रिप्स की फॉर्म में उसको रख ले रेफ्रिजरेट करके, और फिर आप उसको कट करें तो वो भी उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन दिस इज़ एन ईजियर वे जो मुझे ईजी लगा, तो मैं इसलिए इस तरह बना रही हूँ। और अरहम जो है वो बार बार स्टैंड है उसकी लाइट चेंज कर रहा था और तंग कर रहा था मुझे बीच में। और ये साथ साथ जी मैं बना रही हूँ कुकीज़। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये जो फ्लावर का कुकी कटर है ये मेरे ना मेरे पास छोटा साइज़ वाला जो था वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो आपने ये देखें, ये जो नीचे है वो थोड़ा बड़ा है और जो ऊपर है वो थोड़ा छोटा है। तो दिस इज़ अनदर डिज़ाइन, आई वॉज़ बेसिकली ट्राइंग एट मेकिंग डिफरेंट डिज़ाइंस। और यहाँ पे जो है ये एक स्माइली स्माइली फेस है, एक अटेम्प्ट है, आई वुडन्ट कॉल इट अ फेल्ड अटेम्प्ट बिकॉज मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था ये। सो आई जस्ट पुट टू आईज एंड द लिप्स, और इसे भी अब मैं बेक कर लूँगी साथ में ही। अभी आपको दिखाती हूँ सारे, ये जी हमारे तैयार हो गए हैं कुकीज़, रेडी टू गो इन द ओवन। ठीक है, अच्छा, और आप चेक कर लीजिए क्योंकि ये तो मैं, अगर आप एक ही ट्रे में कर रहे हैं तो फिर तो आप टेम्परेचर और वो टाइमिंग मैंने जैसे बताई है, लेकिन अगर आप दो तीन ट्रेज रख रहे हैं, बिकॉज आई वॉज रिकॉर्डिंग वीडियो एंड आई हैव टू शो यू गाइज डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग इट, तो फिर टेम्परेचर जो है जब वो ओवन काफ़ी हीट अप हो जाता है तो फिर 20 मिनट से हो सकता है कम टाइम भी लगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर दो दफ़ा कर रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा हीट ओवर हीट मत कर दीजिएगा। ये हमारी कुकीज़ रेडी हैं। आई होप जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।